हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? और अच्छे ही हो गए, बहुत बहुत अच्छे हो गए। और बहुत सारी आवाज़ें आ रही हूँ, पीछे कपड़े धोए जा रहे हैं और पीछे गाड़ी की आवाज़ आ रही है। और मैं बैठी हूँ कम्बल में, बहुत ठंड है बहुत। बस सारा काम करके फ्री होके बैठी हूँ, पूजा वगैरह सब करके। और बाबू मेरा सो गया है और हस्बैंड गए हैं गाड़ी लेके। और बहुत टाइम 12 बज रहे हैं, 12 बजने में कुछ टाइम बाकी है, बस 12 बज रहे हैं। वीडियो कब एडिट करूँगी, कब भेजूँ कोई पता नहीं। कल भी कितना लेट मेरा वीडियो गया था, बहुत लेट गया था और किसी का वीडियो भी नहीं देख पाई थी। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा है। और थैंक यू मेरी वीडियो को इतना पसंद करने के लिए। परसों वाली को सही कहते हैं, गिरे हुए को कोई, उठे हुए को सब उठाते हैं, गिरे हुए को कोई नहीं उठाता। हकीकत बात है ये। आप लोगों ने मुझे गिरे इतना संभालते हो, इतना मुझे सपोर्ट करते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू बहुत ज़्यादा। हर कोई कहता है हाँ ये बात सही है, उठे हुए को सब उठाएंगे, गिरे हुए को कोई नहीं संभालेगा, उसे पीछे और खींचेंगे। आगे खींचने की जगह सब लोग पीछे और करेंगे, बहुत सारे मोटिवेट करेंगे हमको, कैसे कैसे कमेंट करेंगे, गलत गलत कमेंट, कैसे कैसे हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ेंगे। पर थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। थैंक यू दिल से थैंक यू। तो वीडियो बड़ी हो जाएगी फिर जाएगी नहीं। नेट की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, पीछे से बहुत आवाज़ें आ रही होंगी मुझे पता है। तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, माइंड भी करेंगे तो क्या कर पाऊँगी मैं, कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारे किराएदार रहते हैं, बहुत सारे किराएदार रहते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए आप लोग मेरी वीडियो को इतना पसंद किया और मुझे इतना पसंद करते, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और आप लोगों का साथ मुझे बहुत चाहिए, और मैया रानी जल्दी से मेरा चैनल ग्रो करेंगे ये मुझे विश्वास है। और आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, उससे और भी ज़्यादा मेरा हौसले बढ़ जाते हैं, वो जुनून और भी आ जाता है। चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए, धूप निकली है काफ़ी ज़्यादा अच्छी, और भी आवाज़ें आएंगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड। थोड़ा वैसा बनाया, बस सैंडविच वगैरह बनाई थी, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बीन्स की सैंडविच बहुत अच्छी बनती है, बहुत बहुत अच्छी बनती है। तो वही अपनी बेटी के लिए बनाई थी, तो मैंने बोला चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, वीडियो शूट कर लेती हूँ। और पता नहीं कब वीडियो मेरी पहुँचेगी, कब एडिट करूँ, कब पहुँचेगी पता नहीं। और वॉल्यूम मेरा कम आ सकता है क्योंकि सब लोग हैं इसलिए। चलिए थैंक यू, आपने मुझे यहाँ तक उठाया और ऐसे ही उठाते रहिए। मुझे पता है बहुत रास्ते में रुकावटें हैं, पर कोई नहीं, मंजिल दूर नहीं है। के बाय, टेक केयर। तो आप लोगों से हो गई बातें ख़त्म, बातें कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ टमाटर, हरी मिर्ची, प्याज एक काट रही हूँ, प्याज बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा। तो इसे बारीक बारीक काट लेती हूँ मैं, और वॉल्यूम थोड़ा कम आ सकता है, तो प्लीज़ लीड वगैरह लगा के आप लोग हैंडल कर लीजिएगा। तो इसे मैं ऐसे काट लूँगी, ये देखिए इस तरह से प्याज को भी एक प्याज काट लूँगी। और बहुत अच्छी बनती है और बहुत जल्दी बन के तैयार होती है, चाय के साथ, सॉस के साथ, जिस मर्जी के साथ आप लोग खाइए, आप लोगों की मर्जी है। हम तो इसे सॉस से खाएंगे, मेरी बेटी सॉस से ही खाना इसे पसंद करती है, बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इसे यहाँ प्याज को मैं छील लेती हूँ, और ये मैं हफ्ते में एक दो बार बना लेती हूँ, जब भी मन करता है तभी बना लेती हूँ, बहुत टेस्टी बनती, बहुत 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 टेस्टी। और पीछे से आवाज़ आ रही होगी नल की, मुझे पता है नल चल रहा है पीछे, तो आवाज़ आएगी। तो इसे काट के बस जल्दी से बना लेना है, बारीक बारीक काटना है, ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं, बीच का काटना है हमें। और इस तरह से बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये देखिए, और ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, बहुत। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ये सब कीजिएगा प्लीज़, और बेल को ज़रूर दबाइएगा, जो मैं वीडियो अपनी अपडेट करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा इस। तो प्लीज़ बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो एक टमाटर काट रही हूं, ज़्यादा कुछ नहीं काट रही हूं,
एक टमाटर ये सब काट रही हूँ। पहले भी बनाई है पर बहुत तरह से सैंडविच बनती हैं, एक तरीके से ही नहीं बनती है, बहुत बहुत तरीके से बनती है। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपकी वो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोशिश करूँगी आपका सजेशन पूरा करने की अपनी तरफ से, और अपनी तरफ से मैं 100 देने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए, यही कर सकती हूँ। और आप लोग में अपना साथ यूं ही मेरे साथ बनाए रखें। और ये टमाटर वगैरह काट लिया है, और इसमें डालूँगी चाट मसाला। चाट मसाले से इसका स्वाद और ही निखर के आता है और बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और इसमें कुछ नहीं करना होता, बहुत जल्दी बहुत फटाफट से बन के तैयार होती है। और नॉर्मली मसाले हैं वो डाल लेंगे, नमक मिर्ची गरम मसाला ये डाल लें, बहुत बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। और देखिए बाबू खड़ा है मेरा साइड में, क्योंकि मैं कुछ भी वो खोलती हुई ड्रॉ तो ये आके बस खड़ा ही हो जाती है। ये देखिए वो अपने डिब्बे निकालने में लगी है। तो नमक डाल लेती हूँ, नमक अपने स्वाद अनुसार डालेंगे हम, और ज़्यादा कुछ नहीं हो गया बस कुछ नहीं। और देखिए वो शोना मेरी साबुन का रैपर ले रखी है, पर बच्चे हैं कहाँ और अकेली रहती हूँ तो बच्चों को खुद ही देखना होता है। और ये हमारी बीन्स, मैंने एक आलू डाल के इसको फ्राई किया है, तब बना रही हूँ जब कैमरा ऑन करना भूल गई थी गाइस। कैमरा तो ऑन किया पर पता नहीं चला, तो मैंने इसमें बस मसाले डाले, नमक डाल के इसको फ्राई किया है बीन्स को, एक आलू डाल के, क्योंकि थोड़ी सी बीन्स थी बस इसलिए। तो ये देखिए इसको मैं ऐसे निकाल के इसमें मिक्स कर ले रही हूँ। और ये बीन्स की सैंडविच बहुत बहुत टेस्टी बनती है, अब आप खाएंगे तभी पता चलेगा ना कैसी बनती कैसे नहीं बनती। तो जल्दी से कीजिए, थोड़ी सैंडविच लीजिए, उसमें एक आलू काट के जल्दी से फ्राई करिए और ये सैंडविच बनाना करिए स्टार्ट। हमने ये मिक्स कर दिए, देखिए मिक्स की हुई चीज़ें कितनी अच्छी लग रही है। तो चम्मच की सहायता से इसे भर लेंगे अच्छे से, जितना आपकी मर्जी हो, मैं तो काफ़ी भरती हूँ। और तवे पे सेक लेंगे, आप सैंडविच बनाने वाली मशीन में भी सेक सकते हैं, पर मैं इसे तवे पे ही सेकूंगी। ऐसे ही करके सारी भर के रख लूँगी, और सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सबसे जल्दी बनता है। ये देखिए इस तरह से सारी भर लूँगी, सारी की सारी भर के रख ली हैं। और ये मैंने तैयार वो सॉरी तवा रख दिया, तवे पे रिफाइंड डाला है, और इस पे दबा दबा के सेक लूँगी जो कि टमाटर इसके अंदर से अच्छे से सिक जाएं। और इसे थोड़ी देर लगती है, 5-10 मिनट में ये हमारी सिक के तैयार हो जाती, थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अच्छे से हमें करके सेकना है, ये नहीं कि जल्दबाजी में नहीं, अच्छे से सेकना है। ये देखिए कितनी करारी करारी हमारी सिक रही हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा रिफाइंड लगाएं, क्योंकि ऑयली नहीं होगी तब तक अच्छी नहीं लगेंगी। और इसे दबा दबा के कछली की सहायता से इसे सेकेंगे। ये देखिए ये देखिए, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। इसी तरह से मैं सारी सैंडविच अपनी सेक लूँगी, और सॉस से खाइए चाहे चाय से लीजिए, दोनों ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो मुझे चाय से अच्छी लगती है, मेरी बाबू को उसे सॉस से अच्छी लगती है। तो आप भी जल्दी कीजिए, जल्दी ट्राई कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये आइडिया कैसा लगा, और कैसी दिख रही है यम्मी या कैसी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, ये आपका घर है, ये आपका चैनल है, और अपने चैनल को वो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और चलिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं, आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होंगी। ये लीजिए गाइस, आ जाइए खा लीजिए करारी करारी सी।